उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के लिए आपका जो है स्लॉट इस तरह से बुकिंग हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपका जो है 100% स्लॉट बुकिंग हो जाएगा। तो की हालचाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप COVID-19 का वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप वैक्सीन लेना चाहेंगे तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इसका बुकिंग करना होता है, लेकिन काफी लोग जो है इसको बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब भी दोस्तों बुकिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो है स्लॉट खाली नहीं मिलता है, जिसके वजह से बुकिंग नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप जो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट जो है बुकिंग कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप जो है 100% अपना वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट को बुकिंग कर पाएंगे। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैक्सीन लेने के लिए सबसे पहले आपको बुकिंग करना होगा और बुकिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है cowin.gov.in। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर या साइन इन योर सेल्फ का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। सो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है गेट OTP का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसको यहाँ पर डाल देना है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने OTP डाल दिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं, वेरीफाई एंड प्रोसीड का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपना डिटेल्स को ऐड करना होगा। इसके लिए देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मेंबर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं, फोटो आईडी प्रूफ का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसका आपको यहाँ पर नंबर देना होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप वोटर आईडी कार्ड को चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो वोटर आईडी का नंबर देना होगा। अगर यहाँ पर आप आधार कार्ड चूज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो अपना नाम डालना होगा जो आपका आईडी प्रूफ में है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यानी जो आपका जन्म वर्ष है उसको डालना है जो आपका आईडी प्रूफ में लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है एड का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है इस तरह से डिटेल्स एड हो जाएगा, देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए एड करके रखा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं वैक्सीन लेने के लिए तो देख सकते हैं एक ऑप्शन है शेड्यूल का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, सर्च बाय पिन का और दूसरा है सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप कोई वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो अपना एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैक्सीन सेंटर में स्लॉट खाली है। या फिर दोस्तों देख सकते हैं एक ऑप्शन है सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है सर्च का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी वैक्सीन सेंटर होगा सभी सेंटर यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कोई भी स्लॉट यहाँ पर खाली नहीं दिखा रहा है, जीरो स्लॉट दिखा रहा है। वैक्सीनेशन का जो सेंटर है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शो करता है कौन सा वैक्सीन है, उसका नाम यहाँ पर शो करता है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोविशील्ड है, वैक्सीन देख सकते हैं फ्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर में आपको जो है एक स्लॉट खाली मिल रहा है,
लेकिन इसके लिए आपको जो है पैसे पेड करना होगा, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं आप जो है एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एज के लिए वैक्सीन चाहिए। मेन प्रॉब्लम दोस्तों 18 प्लस का वैक्सीन बुकिंग करने में आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, एज जो है 18 प्लस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री वाला चाहिए वैक्सीन या फिर पेड वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्री वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सभी वैक्सीन शो करेगा। उसके बाद देख सकते हैं वैक्सीन यहाँ पर जो है तीन अवेलेबल है, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मैं 7 जुलाई को सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं 7 जुलाई को जो है 142 स्लॉट खाली दिखा रहा है। अगर दोस्तों आप में इस तरह से खाली नहीं दिखा रहा है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। वीडियो के बीच में दोस्तों आपको जो एक ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप जो है 100% अपना स्लॉट को बुकिंग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो बेसिक डिटेल्स को समझा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप जो स्टेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में वैक्सीन खाली है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है सर्च बाय पिन का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप जो अपना पिन को डाल सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों जैसे देख सकते हैं मैंने पिन को डाल दिया है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है सर्च का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इस एरिया में स्लॉट खाली होगा यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको इस तरह से वैक्सीन स्लॉट खाली नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले आपको जो है डेट को चेंज कर करके देखना होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको खाली नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको जो एक नया पेज को ओपन कर लेना है ब्राउजर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है under14.in। जैसे दोस्तों आप under14.in लिख कर सर्च करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एज दिया गया है 18 से 44 एज तक किस एरिया में स्लॉट खाली होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा अंडर 14 और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये दोस्तों एक टेलीग्राम का चैनल है, देख सकते हैं, और इसमें जो भी स्लॉट खाली होता है वैक्सीन का सभी दोस्तों आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल है तो दोस्तों आपको जो है उसको ओपन करना है। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको ज्वाइन चैनल का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो भी वैक्सीन का स्लॉट खाली होता है तुरंत आपको जो है पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो कुछ देर पहले एक वैक्सीन का स्लॉट खाली हुआ था। सेंटर का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर का पिन कोड यहाँ पर शो करता है। देख सकते हैं इस टाइम जो है कितना स्लॉट खाली है यहाँ पर शो करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको जो है थोड़ा एक्टिव रहना होगा। जैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर जो आपने ज्वाइन किया है उसके ऊपर जैसे ही दोस्तों मैसेज आएगा इस तरह से, वैसे ही दोस्तों आपको जो है तुरंत कोविन वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है डिटेल्स पहले से ऐड होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेड्यूल का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद जो आपने पिन कोड देखा है उस पिन कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद एक ऑप्शन है सर्च का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है एज को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर 18 प्लस बुकिंग करना है तो हमें 18 प्लस को सिलेक्ट कर लिए, और नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है एक स्लॉट खाली दिखा रहा है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं 3 जुलाई का है। अगर आपको 4 जुलाई को बुकिंग करना है तो आप 4 जुलाई के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं स्लॉट खाली होगा तो यहाँ पर 46 स्लॉट खाली है, देख सकते हैं शो करेगा इस तरह से। जैसे मुझे जो है इस सेंटर पर बुकिंग करना है तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जिस टाइम आप स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं उस टाइम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जो है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग हो गया है।
यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका जो वैक्सीनेशन का सेंटर शो करता है, यहाँ पर आपका टाइम शो करता है, डेट शो करता है। दोस्तों जिस डेट को आप बुकिंग करेंगे उस डेट को आप जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आप वैक्सीन ले सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपको जो है सीक्रेट कोड पूछा जाएगा, और जो आपको मैसेज मिला है देख सकते हैं दोस्तों उसमें भी आपको जो है सीक्रेट कोड मिल जाता है, देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पर आप बैक करते हैं तो यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि आपका जो है स्लॉट बुकिंग शो करेगा, देख सकते हैं यहां पर हमारा स्लॉट बुकिंग शो कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों और भी लोग जान सकें जो वैक्सीन लेने के लिए कौन सा ट्रिक को फॉलो करें, जिससे दोस्तों हम जो है जल्दी से वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट को बुकिंग कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।